सो वेलकम बैक गाइज, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई हो बहुत ही अच्छे होगे। तो गाइज आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइज आज इस वीडियो पे करने वाले हैं हम GTA 5 का गेम प्ले। सो आप सभी का स्वागत है। एंड यार जो भी लोग आए हैं वीडियो पे प्लीज जाके लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा देना। एंड गाइज आज का मिशन होने वाला है गाइज माइकल के घर से उसकी गाड़ी को चोरी करना है। तो गाइज ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और खतरनाक मिशन होने वाला है जो कि गाइज काफी इंटरेस्ट एंड सस्पेंस से भरा होगा। तो प्लीज यार पूरी वीडियो जरूर देखना। एंड स्टार्ट करते हैं गाइज आज का गेम प्ले। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक सुनसान जगह पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो अभी गाइज हमें जाना है यहाँ से माइकल के घर पे और वहाँ पे उसकी गाड़ी को चोरी करना है। उससे पहले गाइज हमें बहुत चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें से घर से अगर कुछ भी गलती हुई तो गाइज माइकल हमें मार देगा। तो हमें वहाँ से बचना है और किस तरह अपना मिशन कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे मैंने पूरी प्लानिंग बना ली कि हमें कहाँ से घर के अंदर एंट्री लेनी है, किस जगह से हमें गाड़ी को चुराना है। सो पूरी प्लानिंग तैयार है, बस हमें गाड़ी को वहाँ से उठाना है। चलते हैं गाइज उसके घर पे एंड चुपचाप ये मिशन को कामयाब करते हैं। तो अभी गाइज हमने अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ एंड गाड़ी मैंने स्टार्ट करी है। यहाँ से चलते हैं गाइज माइकल के घर पे। सो यहाँ पे बूम बाम तरीके से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है एंड निकल चुके हैं गाइज यहाँ पे हम लोग माइकल के घर पे। तो हमें बहुत ही ध्यान से गाड़ी को चलाना होगा वरना अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज फिलहाल माइकल मुझे सुनने में आया कि घर पे नहीं है, तो हम लोग जाके वहाँ से गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं एंड मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो घर पे नहीं है तो हमें गाड़ी आसानी से नहीं मिल सकती है, लेकिन उसके परिवार वाले घर पे होंगे, ठीक है। तो सामने से गाड़ी नहीं ले जा सकते, हमें बहुत ध्यान से जाना होगा। अगर हम लोग सामने से घुसेंगे तो ऑफकोर्स है कि वो हमें मार देगा, ठीक है। तो हमें बड़े ध्यान से उसकी गाड़ी को लेना होगा। तो चलते हैं गाइस फटाफट उसके घर पे, ठीक है। सो यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग रोड पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अभी मैं देख पा रहा हूँ कि अभी दिन का टाइम है तो थोड़ा ध्यान से रहना होगा क्योंकि उसके घर वाले भी जगह होंगे। सो जानते हो ना थोड़ी सी भी गलती और मौत मिलेगी। तो लोग फटाफट चलते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से हमें आगे बढ़ना है एंड ओके यही रोड है, चलते हैं। सो गाइस सामने देख रहे हो कितना छोटी छोटी रोड है, ओके गाइस ओके। और अरे हट जाओ भाई, कितना ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर। ओके यहाँ से निकाल सकता हूँ, ओके। तो फिलहाल हम यहाँ से निकल चुके हैं धीरे धीरे, ओके। तो यार यहाँ पे काफ़ी पतली पतली गलियाँ हैं, इन गलियों से गाड़ी को चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन तब भी मैं यहाँ से निकाल लूँगा, ओके गाइस। तो यहाँ पे हमारा काम बहुत आसानी से हो रहा है और हम लोग निकल चुके हैं एंड फिलहाल हमारा काम हो चुका है। हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे एक गलियों से तो निकल चुके हैं, बस वो घर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और हमने यहाँ से ले लिया, हमने रेड सिग्नल को तोड़ दिया है, फिलहाल तो सिग्नल तोड़ना पड़ेगा वरना वो हमें मार देगा, जानते हो ना। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट चलते हैं उसके घर पे एंड करना है गाइस एक बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी गाड़ी को चोरी। और यहाँ पे जाना है हमें पूरा लेफ्ट लेफ्ट जाना है, लेफ्ट लेफ्ट ओके, ठीक है। तो गाइस ये रहा माइकल का घर, बहुत बड़ा घर है उसका। सो गाइस यहाँ से अगर हम फ्रंट से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, मैंने एक रास्ता ढूंढा है यहाँ से उसके घर के अंदर जाने का। सो यहाँ पे अगर हम उसके घर से घुसेंगे ना, मतलब ये गली है, इस गली से अगर हम धीरे धीरे आगे घुस सकते हैं, ठीक है। मैंने एक जगह देखी है, ये वाली गली नहीं, इसके आगे वाली गली से यहाँ से, क्योंकि उसके चारों तरफ घर के अंदर ना बाउंड्री बनी हुई है, तो उस बाउंड्री पे हम चढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ से मैंने एक जगह देखी है, वहाँ से हम चढ़ सकते हैं। तो गाड़ी को मैं यहाँ पे चुपचाप पार्क करूँगा क्योंकि पार्किंग है यहाँ पे, तो मैं गाड़ी को पार्क कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो गाड़ी से हमने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है, चुपचाप हमें उसके घर के अंदर जाना है एंड बहुत ही ध्यान से करना होगा ये काम, ठीक है। सो गाइस ये रही वो जगह जहाँ से हम माइकल के घर के अंदर घुस सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है, क्योंकि और कोई रास्ता मैंने देखा नहीं है यहाँ पे। तो मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, अब यहाँ से इस प्लानिंग को कामयाब करेंगे। एंड ये रहा गाइस उसका टेनिस बोर्ड कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो टेनिस वगैरह खेलता है कभी कभी। सो फिलहाल तो गाइस उसके यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे उसका गार्डनर होगा जो कि यहाँ पे कुछ काम कर रहा होगा। तो हमें उससे काफ़ी ज़्यादा दूर रहना है एंड हमें काफ़ी सेफ काम करना होगा, ठीक है। तो अभी गाइस हम यहाँ पे धीरे धीरे से घर के अंदर आ चुके हैं। उसका घर देख रहे हो कितना बड़ा और मस्त घर है, यहाँ पे हर एक चीज़ कितनी खूबसूरत तरीके से रखी हुई है। तो ये कह सकते हैं भाई कि माइकल काफ़ी अमीर है एंड गाइस जानते हो ना जितने बड़े अमीर लोग होते हैं उतना उनके घर पे खतरा होता है। तो फिलहाल गाइस हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब गाइस यहाँ पे एक विंडो है, या इस विंडो से हम लोग घर के अंदर जा सकते हैं। तो गाइस मैं रात में आके इसका पूरा प्लान पूरे घर पर जाँच पड़ताल करी थी और मैंने समझ लिया था, ओके 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 गाइस यहाँ पे उसके मुझे कुछ घर के मेम्बर्स का आवाज़ आ रहा है, ओके। तो गाइस की फैमिली मेंबर्स यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं, सिट 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 कि हम धीरे धीरे चलेंगे गाइस घर के अंदर वरना गाइस हम पकड़े जाएंगे, ठीक है। सो गाइस अभी हमें चलना है धीरे धीरे, ओके ओके गाइस सामने से अभी उसकी बेटी गई है और इस रूम में उसका बेटा है। सो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना होगा,
अगर हम पकड़े गए तो ओके ओके हम पकड़े गए। हम चुपचाप घर के अंदर आ चुके हैं और हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से सीढ़ी भी उतर गए। मुझे मालूम उसी गाड़ी कहाँ रखी है, उसी गाड़ी यहीं पे। गाइस यहाँ पे मुझे उसके फैमिली मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं। सिट तो उनको उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम कर लेते हैं। ओके तो गाइस हमने किसी तरह गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। ओके गाइस तो ये रहा गाइस हमारा प्लान कामयाब होते हुए। एंड गाइस हमने गाड़ी ले ली है, अब फटाफट यहाँ से निकलना है। और गाइस हमने काफ़ी बढ़िया तरीके से गाड़ी को निकाल लिया है गाइस उसके घर से। ओके यहाँ पे गेट खुल चुका है और यहाँ पे हम चुपचाप निकल चुके हैं और किसी को पता भी नहीं चला। तो भाई गाइस लगता है ये मिशन कामयाब हो जाएगा हमारा। तो गाइस हम अपने बॉस को फोन कर देते हैं ताकि हमारा जो काम हो चुका है उसको नोटिफाई कर देते हैं। Okay. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. So, यहाँ पे हमने inform कर दिया है, ठीक है? अब हमारा काम है, guys, गाड़ी को सुरक्षित पहुँचाना, ठीक है? Oh shit, guys! Michael हमारे पीछे बैठा हुआ है. Oh shit! Pushed against your skull. Oh guys, ये गलत सीन हो गया. Michael को लगता है मालूम था कि हम लोग यहाँ पे उसी गाड़ी लेने आ रहे हैं. Oh guys, यार ये तो सीन हो गया यार. उसको मालूम था, मैं सोचा कि इसको मालूम नहीं होगा. और वो कहीं गया नहीं था, वो गाड़ी के नीचे छुप गया था. So वो हमसे बहुत कुछ पूछ रहा है। Okay. Don't worry, me and Mr. Yatarian, we'll work this out. अरे हट जा। Okay ये भी सामने से नहीं हट रही है। Wow. Okay फिलहाल तो गाइस हम इसके सामने से निकल चुके हैं। एंड उसने हमें बोला है कि वहीं पे ले चलो जहाँ पे तुम्हारे बॉस है, जिसने कार डीलर है जो तुम्हारा, उसके पास ही मुझे ले चलो। तो गाइस हमें उसी के पास जाना है और वो पूछना चाह रहा है कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ ये सारे काम करा रहा है, जिसने मेरी गाड़ी को उठवाया। तो फिलहाल गाइस हमें बहुत ध्यान से ये करना होगा, अगर हम ऐसे उसकी बात नहीं मानेंगे तो हमें गोली मार देगा। तो फिलहाल हमें किसी तरह के उसकी बात माननी है। सबसे पहली बात तो ओके उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा। ओके भाई इसने सर पे गोली मार दी है, बंदूक मार देगा भाई, इसकी कोई उसका कुछ भरोसा नहीं है, माइकल है वो। सो फिलहाल थोड़ा सा खतरा लग रहा है। I look like a fucking joke to you. Okay, गुस्से में है वो गाइस। Fuck my life, man. Fuck. तो उसने बोला कि गाइस हमें जाना है, सामने उसकी शॉप है, उसकी शॉप के फ्रंट में हमें गाड़ी ठोक के अंदर लेना है, ठीक है? तो चलना है पड़ेगा गाइस, वरना वो हमें गोली से मार देगा, ठीक है? तो फिलहाल हम घुसेंगे एंड कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो ओके 1 2 3 और गाइस यहां पे हमें जो करने के लिए कहा गया हमने किया। ओके गाइस हमने उसकी शॉप को तोड़ दिया, डैमेज कर दिया है। What the fuck are you doing? Mr. Samuel, okay. It's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Okay, guys, हमें पैसे दे दिए गए हैं और माइकल बोला कि हम जा सकते हैं. Okay, अब हम माइकल बन चुके हैं और फाइट करना है हमें. Okay, तो गाइस हमें माइकल की तरफ से इसके साथ फाइट करना है जो कि फ्रैंकलिन का बॉस था. Okay, हमने इसको काफी मार रहे हैं और खाएगा. ले और ले और ले और ले साले और ले. तो मेरी गाड़ी चुराएगा. ले और खा. Okay, guys, हमने उसका मुंह तोड़ दिया. Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist! Oh, bhai, oh, bhai. Oh, bhai! Galat maar raha hai, bhai, Michael. This thing's gonna need some serious body work or it's worth 5 grand a month. Oh, guys. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my car? So, filhal, yahan pe gussa aata hai. You are a fraudulent scumbag piece of shit. Dekh rahe ho? उसको छोड़ दिया। Don't make me have to come back here. Okay boys, okay. So Frank, उसने माइकल ने फिलहाल गाइस माफ कर दिया, फ्रैंकलिन को भी जाने दिया है। So guys, आज का जो ये मिशन था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। So बताओ यार कैसा लगा ये मिशन? एंड गाइज इस मिशन में हमें काफी जरा देखने को मिला गाइज कि माइकल छोटा मोटा वो नहीं है भाई, बंदा नहीं है, उसको मालूम होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस आज का मिशन यही कंप्लीट होता है। इसी के साथ गाइस ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। सो प्लीज़ यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा देना एंड थैंक फॉर वॉचिंग। तो बाय बाय गाइस।